हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपके घर में, रिलेटिव्स में, जान पहचान में कोई ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जो किडनी की किसी ना किसी बीमारी से ज़रूर परेशान होते हैं। इस किडनी की बीमारी के परेशानी में उनके वैल्यूज, क्रिएटिनिन के वैल्यूज, यूरिक एसिड के वैल्यूज, यूरिया के वैल्यूज बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ इसमें कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको किडनी स्टोन होता है, पथरी बार बार बनती है, या कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको किडनी की समस्या के कारण डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी समस्याओं से परेशान जो भी मरीज़ किडनी से, बीमारी से परेशान है, उनको खाने पीने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसा डाइट शेड्यूल होना चाहिए और कौन सी चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान के बारे में, जिसमें मैं आपको सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से लेकर शाम के लंच तक के खाने के पूरे डिटेल्स, उनके टाइमिंग्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती से है। दोस्तों हमारी किडनी का फंक्शन हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, टॉक्सिक्स मटेरियल को बाहर निकालना होता है। जब भी किसी कारणवश आपकी किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती है तो वे वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू होते आते हैं। नतीजतन आपको बार बार पथरी का बनना, किडनी का फेल होना, आँखों के नीचे सूजन आना, पैरों पर सूजन आना, चलते वक्त सांस का फूलना जैसे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वहीं किडनी के मरीजों को उनकी डाइट को बहुत केयरफुली चूज करना होता है। मेडिकल की पेन किलर टैबलेट्स, हाई कैल्शियम डाइट, ये ऐसी चीज़ें जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें किडनी के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैं आपको सुबह मॉर्निंग में किस वक्त क्या खाना है, इससे लेकर रात में सोना ते वक्त कौन सी चीज़ इस्तेमाल करना है, इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ब्रेकफास्ट से। किडनी के मरीज़ के लिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, मॉर्निंग में 6-7 बजे वो उठ जाए। जो उठकर फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या थोड़ी सी माइल्ड एक्सरसाइज ज़रूर करें। मॉर्निंग में अर्ली वक्त उठने से आपके बॉडी में मौजूद टॉक्सिक्स मटेरियल को बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं और कुछ ना कुछ मेडिटेशन, योगा का ज़रूर सपोर्ट लें। इसके बाद बात आती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की। सवेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किडनी के मरीज़ का 8 से 8:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, जिसमें उसको 1 कप ओट मिल का वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को ओट मिल पसंद नहीं है तो उसकी जगह पर वो 1 कप फ्रूट्स का सलाद बना के या फ्रूट्स भी ले सकता है, या अगर उसे फ्रूट्स भी नहीं जमते हैं तो 1-2 ब्रेड के ऊपर कुछ जैम को लगाकर वो इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर आपको नॉनवेज चलता है तो आप 1 वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे के अंदर की पीली जर्दी ना इस्तेमाल करते हुए 1 वाइट आपको इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आप साउथ इंडियन डिश आपको पसंद है तो आप 1 से 2 इडली सुबह में 8 से 8:30 के बीच के ब्रेकफास्ट में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन चारों पांचों चीज़ों को ऑप्शनल में इस्तेमाल करना है, या फिर आप अल्टरनेट डेज भी यूज़ कर सकते हैं। किसी दिन आप इडली खा लें, दूसरे दिन आप सांभर का इस्तेमाल कर लें, तीसरे दिन आप ब्रेड जैम का इस्तेमाल कर लें, चौथे दिन 1 कप ओट्स मिल्क का इस्तेमाल कर लें। ऐसे इन चारों पाँचों चीज़ों का आप रोटेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है मिड डे मील की बात। मिड डे मील मरीज़ को तकरीबन 11 बजे के आसपास मॉर्निंग में लेना है, यानी 11 AM के आसपास मरीज़ को ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 1 एप्पल ज़रूर खाए जो एक मीडियम साइज़ का हो। अगर आप एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या सीज़न नहीं है एप्पल का, तो उसके जगह आप अमरूद, पाइनएप्पल या बेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फ्रूट का इस्तेमाल आपके बॉडी के अंदर डाइट्री फाइबर्स को बढ़ाता है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और आप जो भी चीज़ खाते हैं वो आपकी बॉडी से अच्छे से लिब्रेट हो जाती है। दोस्तों 11 बजे के बाद कुछ थोड़ी बहुत स्लीप लेने के बाद और माइल्ड वॉकिंग करने के बाद मरीज़ को बात आती है लंच की। किडनी के मरीज़ को ज़रूरी है कि वो दोपहर में 1:30 to 2 के बीच में लंच ज़रूर कर ले।
अब लंच में उसे क्या इस्तेमाल करना है, लंच में उसको एक कप दाल फ्राई इस्तेमाल करना है, इसके साथ वो दो रोटी हल्की फुल्की तेल की भुनी हुई ले सकता है, साथ ही साथ वो कुछ वेजिटेबल्स ले सकता है। वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं जो किडनी फ्रेंडली हो और आपकी किडनी को डैमेज भी ना करें। इसमें मरीज़ ले सकता है पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू की सब्ज़ी, साथ में सलाद, सेम या गाजर या गोभी, इन सब चीज़ों की सब्ज़ी किडनी का मरीज़ बड़े आराम से ले सकता है। वहीं इस खाने के साथ मरीज़ अपने डाइट में कुछ फ्रूट्स जैसे कि मिक्स फ्रूट, पाइनएप्पल या ग्रेप्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्त इसके साथ साथ सलाद का इस्तेमाल भी रखें, जैसे कि गाजर है, गोभी है, टमाटे हैं, इन चीज़ों का अपने सलाद के तौर पर अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको नॉनवेज पसंद है, तो आप सिर्फ चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन किडनी फ्रेंडली होता है विदाउट उसके स्किन के, लेकिन दो पीस से ज़्यादा पर डे के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों इसके बाद ये तो हो गई बात हमारे लंच की, इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्नैक्स की। किडनी के मरीज़ को स्नैक्स में 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में कुछ ना कुछ स्नैक्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। स्नैक्स पे तौर पे वो आधा बनाना ले सकता है, एक ब्रेड ले सकता है, या पॉपकॉर्न या कॉर्न इडली जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों स्नैक्स 4-4:30 बजे के बाद लेने के बाद किडनी के मरीज़ को चाहिए कि रात का खाना, रात का डिनर वो 7 में 7:30 से 8 बजे के आसपास ज़रूर कर लें, जिसमें उसको एक बॉयल दाल लेना है और उसके साथ साथ मिल्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रहे कि मिल्क लो फैट होना चाहिए। उसके साथ साथ वो मिक्स वेज दाल भी इस्तेमाल कर सकता है और इसके साथ में वो बॉयल सलाद यूज़ करें, एक कप बॉयल सलाद जो कि ओलिव ऑयल में डीप की गई हो। इस तरीक़े से इस्तेमाल करने से आपकी किडनी फ्रेंडली डाइट हो जाती है। दोस्तों ये हो गई सब डाइट फैक्टर्स की बात जो मरीज़ किडनी के मरीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ मरीज़ को चाहिए कि वो है तो फ्रेश लो वाटर फ्रूट्स ले, ऐसे फ्रूट्स ले जिनका वाटर परसेंटेज कम है, साथ में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और फ्लूइड का इंटेक उनके डॉक्टर द्वारा बताए जाने वाले फ्रूट को ज़रूर इस्तेमाल करें और साथ में स्टीम फूड जो भी यूज़ करें फ्राइड फूड को अवॉइड करें। और मरीज़ को चाहिए कि हाई सोडियम डाइट का वो बिल्कुल भी अवॉइड करें, जैसे कि पिकल्स है, अचार है, बड़े का गोश्त है और पैक फूड्स है, इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप अगर किडनी के मरीज़ हैं तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। साथ ही साथ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, हाई फैट होता है, उनको मरीज़ को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी किडनी के मरीज़ों के लिए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।